मॉड्यूल 208 मॉडल ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का विशेष साइकिल है वो किस तरह मूव करता है और व्हाई द क्लाइंट इज़ लाइक रिपीटेडली इंडल्ज इन दैट बिहेवियर ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्लाइंट की जो सेल्फ इस्टीम है वो क्यों लो होती है क्योंकि उसकी जो ओवर अवेल्यूएशन है वो टूवर्ड्स द वेट एंड शेप एंड ईटिंग होता है ठीक है यानी जो उसका वेट है वो उससे उसके बारे में ज़्यादा सोचता है जो उसकी बॉडी शेप है वो उसे उससे ज़्यादा बुरी समझता है और जो वो खा रहा है वो उसे ज़्यादा समझता है कि वो खा रहा है ठीक है यानी जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसको वो ओवर एवेलुएट कर लेता है ठीक है देन द स्ट्रिक वेट कंट्रोल बिहेवियर और जब वो ओवर वैल्यूएशन करता है वो लीड कर जाता है किस चीज़ की तरफ कि वो बहुत ज़्यादा वेट कंट्रोल बिहेवियर जो है वो उसको एक्सेबिट करना शुरू कर देता है जैसे वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज शुरू कर देगा ठीक है अब इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी इंक्रीज चेकिंग ऑफ बॉडी वेट एंड शेप एंड फूड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा यानी क्लाइंट बार बार ये चेक करेगा कि अच्छा मैंने अभी इतनी एक्सरसाइज की है तो अब मेरा वज़न कितना कम हुआ है अब मेरी weight, अभी बॉडी शेप कैसी हुई है मैं कितने इंचेस मैंने कम किए हैं तो ये पैटर्न जो है ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा ठीक है और जब वो ये करेगा तो उससे उसको ये लगेगा जो उसका वेट है वो कम कम हो रहा है ठीक है यानी डिक्रीज़ हो रहा है उसका जो वेट रिडक्शन है वो डिक्रीज़ हो रहा है यानी वो उतना रैपिडली नहीं हो रहा जितना रैपिडली वो समझता है उसकी वजह से उसे क्या फील होता है कि वो जो ईटिंग है उसको वो कंट्रोल करने में फेल हो रहा है ठीक है अब उसके बाद क्या होता है कि फिर दोबारा से वो जो खा रहा होता है उसको फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरली ईट कर रहा है उसकी बॉडी शेप बहुत बुरी हो रही है और जो उसकी ईटिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है ठीक तो ये इस तरह एक विशियस साइकिल है जो कंटिन्यूस चलता चला जाता है और जो क्लाइंट है वो इस विशियस साइकिल से बाहर नहीं निकल रहा होता यानी ओवर एवेल्यूएशन है जिसकी वजह से वो कंट्रोलिंग बिहेवियर शो करता है जिसकी हेल्प से वो अपना वेट कंट्रोल कर सके और जब वो वेट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसमें फिर ये देखने की कोशिश करता है कि उसका कितना वेट जो है वो रिड्यूस हुआ है जिसकी वजह से वो बाबा कंटिन्यूस चेकिंग करता है अपनी बॉडी शेप की अपनी वेट की और जब वो देखता है कि ये तो और जब वो उसको मैयर करता है तो उसको लगता है कि जो उसका बॉडी वेट है वो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता या बहुत कम जो उसका एक्सपेक्टेड लेवल होता है उसे बहुत कम जो है वो रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से उसे लगता है कि वो जो परसैप्शन है उसकी वो ये आती है कि जो उसका बिहेवियर है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा ईटिंग बिहेवियर और फिर दोबारा से वो ओवर अवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाती है तो ये जो है इस तरह का जो मॉडल है एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर वो कंटिन्यूस विशियस साइकिल में चलता चला जाता है Thank you.